राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह, बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम चातुर्मास के महात्म्य का 20वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 19 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी, आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आप सभी के ऊपर भगवान महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद बना रहे। आइए अब हम चातुर्मास का 20वां अध्याय सुनते हैं। पेजवन गालव ऋषि से कहने लगे कि हे ऋषिवर, चातुर्मास के प्रारंभ होते ही देवता किस कारण से वृक्षों में आकर समाते हैं, यह मुझको अत्यंत ही आश्चर्य प्रतीत होता है। कृपा करके आप हमें विस्तार से सुनाइए कि किस वृक्ष में कौन से देवता का वास होता है। तब गालव ऋषि कहने लगे कि हे पेजवन, चातुर्मास में आकाश से जो जल बरसता है वह अमृत से मिला हुआ होता है। उसका पान करने के लिए देवता वृक्षों के रूप में आकर पृथ्वी पर वास करते हैं। उस अमृत जल का पान करने से उनमें बल, तेज, कांति आदि की वृद्धि होती है। इसी कारण देवता इसका पान करने के लिए आते हैं। इसीलिए पितर और देवता सब लोगों के हित की कामना के लिए इनका पान करते हैं। यद्यपि इन वृक्षों की पूजा और सेवन सदा ही अच्छा होता है, परंतु चातुर्मास में इसका अधिक फल मिलता है। तिलों के जल से पेड़ों की सेवा करना सब कामनाओं को देने वाला होता है। दूध से इन पेड़ों को सींचने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में विशेषकर ब्रह्मा जी बड़ के पेड़ में आकर वास करते हैं और प्राणियों को वरदान देते हैं। देव शयन में सावित्री तिलों के पौधों में आकर वास करती है। सदेवी तथा विशेषकर चातुर्मास में तिलों का सेवन महान फल देने वाला होता है। तिल अत्यंत पवित्र और धर्म कार्य के साधक हैं। शत्रु के विनाशकारक, पापों के नाश करने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला, सब पुण्य कर्मों में काम आने वाला होता है। तिलों का धान्य देव धान्य कहा गया है, इसलिए तिलों का दान सब दानों में उत्तम है। यदि सोने के पात्र में तिल रखकर दान किया जाए तो ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी धुल जाता है। विशेषकर चातुर्मास में तिलों के तर्पण से पितर नित्य तृप्ति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तिल का दर्शन, तिल का स्पर्श और तिल को खाने से मनुष्य का शरीर शुद्ध हो जाता है। तिल के पौधे के दर्शन करने, स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्य के उसी क्षण 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। चातुर्मास में जो इनका सेवन करता है वह उत्तम फल को देने वाला होता है। चातुर्मास में जो के तर्पण से देवता और ऋषि भी प्रसन्न होते हैं। आम के वृक्ष में चातुर्मास में प्रजापति आकर वास करते हैं। आम के वृक्ष में देवी देवता आकर वास करते हैं। बरगद के वृक्ष में निम्न, गंधर्व आदि, गुलर के पेड़ में यम, खजूर के पेड़ में वरुण, बैर के पेड़ में रुद्र, ताल के पेड़ों में सप्तऋषि, जामुन के पेड़ में कृष्ण भगवान आकर वास करते हैं। चातुर्मास में इन पेड़ों की सेवा करके चातुर्मास की समाप्ति पर एक ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन कराकर अन्न, वस्त्र, रुपया का दान करने का कोटि गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा करने से भगवान संतुष्ट होते हैं और उसे स्थायी लक्ष्मी का आशीर्वाद देते हैं। उद्यापन के दिन मनुष्य को एक समय भोजन करना चाहिए। चातुर्मास में नवग्रह भी अपने अपने पेड़ों में आकर वास करते हैं। जैसे सूर्य आंख में, चंद्रमा ढाक में, मंगल खेरी के पेड़ में, बुध डंगा में, बृहस्पति पीपल में, शुक्र गुलर में, शनिश्चर शमी में, राहु दुर्गा में, केतु कुशा में वास करते हैं। इनकी पूजा और सेवा से मनुष्य शुभ फल को प्राप्त करता है तथा अशुभ का नाश होता है। इन पेड़ों की ही पूजा से तथा सींचने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इन पेड़ों में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों देवता आकर वास करते हैं। सब देवता अपनी पत्नियों सहित इन पेड़ों में आकर वास करते हैं और मनुष्य को शुभ फल देते हैं। पीपल के पेड़ में तो सारे देवता आकर वास करते हैं। इनकी जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु, शाखाओं में शिव जी और प्रत्येक पत्र में अन्य देवताओं का वास होता है। अलग अलग पेड़ों में अलग अलग देवताओं का वास होता है। चातुर्मास में इन पेड़ों की पूजा करने का अक्षर कोटि गुना फल मिलता है। तुलसी, केला व आंवले के पेड़ में माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का वास होता है। इनकी रोज पूजा करने से घर में धन धान्य, सुख, वैभव, समृद्धि बढ़ जाती है। बरगद और बैल के पेड़ में महादेव जी का वास होता है। जो इनकी पूजा करते हैं उनकी मनोकामना की पूर्ति उसी क्षण हो जाती है। शमी के पेड़ में शनि देवता का वास होता है।
शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शमी के पेड़ के नीचे जलाने से शनि महाराज की कृपा बरसने लग जाती है। जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। कदम के पेड़ में लक्ष्मी जी का वास होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कदम के पेड़ के नीचे यज्ञ हवन करने से मां लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा बरसने लग जाती है। हरि हरि दुर्वा, भगवान गणेश को बहुत अधिक प्रिय है। बुधवार के दिन भगवान गणेश को हरि हरि दुर्वा चढ़ाने से उस व्यक्ति के सभी विघ्न संकट गणेश भगवान दूर कर देते हैं। पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। बांस के पेड़ में भगवान श्री कृष्ण का वास होता है, क्योंकि उसी बांस से भगवान कृष्ण की बांसुरी बनती है। शादी, जनेऊ, मंडप सभी में बांस का प्रयोग किया जाता है। जो लोग चातुर्मास में शिव जी की उपासना पूजा व्रत करते हैं, उनकी दह धन्य है, उनका जीवन सफल है, उनके कुल का उद्धार हो जाता है। जिनके मुख से चातुर्मास में शिव का नाम निकलता है, उनका उसी क्षण उद्धार हो जाता है, उनके शरीर में पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। उन मनुष्य को जो शिव की पूजा करते हैं, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जैसे खजूर के पेड़ के खजूर को कोई भी नहीं ले सकता। शिव नाम भस्मी और रुद्राक्ष, यह तीनों त्रिवेणी के समान है। शिव नाम गंगा है, विभूति यमुना, तो रुद्राक्ष सरस्वती है। इन तीनों का संगम त्रिवेणी कहलाता है। यह त्रिवेणी समस्त पापों का नाश कर देती है। जो व्यक्ति चातुर्मास में शिव की उपासना करते हैं, वे पूर्ण वेद शास्त्र के ज्ञाता बन जाते हैं। ओम अलौकिक है, अद्भुत शक्ति है, ब्राह्मण का स्वरूप है। जो व्यक्ति सदा ओम का उच्चारण करते हैं, उनके चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। जो व्यक्ति ओम ध्वनि को सुनता है, सुनने मात्र से वह परमात्मा से सीधा जुड़ जाता है। ओम तीन ध्वनियों से मिलकर बना है, ए, उ और मैं। ये तीनों ध्वनियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। यह भूलोक, भवलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। ओम का उच्चारण करने से शरीर मन एकाग्र करने में मदद मिलती है। इसका उच्चारण करने से कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पाप धुल जाते हैं। ओम का उच्चारण करने से शरीर के चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल तैयार हो जाता है, जो जपने वाले मनुष्य की सदैव रक्षा करता है। ओम को जपने वाला मनुष्य पवित्र हो जाता है। ओम का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा मिलने लग जाती है। नियमित रूप से ओम का जाप करने से एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। तनाव, अनिद्रा और समस्त समस्याएं खत्म हो जाती है। ओम का जाप करने से परमपिता परमेश्वर खुश हो जाते हैं। ओम में सभी देवताओं का वास होता है। ओम में इतनी शक्ति है कि मात्र इसका जाप करने से ईश्वर को पाया जा सकता है। ओम में पूरी षष्ठी समाई हुई है। मरते हुए व्यक्ति के मुख से अगर ओम शब्द निकल जाए, तो उसे उसी क्षण परम गति की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान बिंदु उपनिषद में यह कहा गया है कि अगर पापी से पापी मनुष्य भी ओम का उच्चारण स्मरण कर लेता है, तो उसे भी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। जाप का तरीका, दाएं हाथ की अनामिका उंगली यानी मिडल फिंगर के बीच के पोरुओं से शुरू करके कनिष्ठ यानी लिटिल फिंगर के पोरुओं से होते हुए तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर के मूल तक के 10 पोरुओं को गिनकर मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम का जाप करने वाले व्यक्ति को अन्य कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। ओम का जाप करने वाले की यश कीर्ति 10 दिशाओं में फैलने लग जाती है। कोई भी शुभ काम करने से पहले यदि ओम का उच्चारण करके किया जाए, तो उस काम में जरूर सफलता मिलती है। अगर स्त्रियां घर की रसोई का काम शुरू करने से पहले ओम का उच्चारण कर ले, तो घर में बरकत बढ़ जाती है। ओम नाम जाप करने से रोग, दोष, दुख, पीड़ा सब दूर हो जाते हैं। धन, दौलत, खुशियाँ, सफलता, असफलता सब हमारे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। भगवान की न्याय व्यवस्था बड़ी ही सुनिश्चित है। अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल, बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल भोगना ही पड़ता है। कल हमने जो कर्म किए हैं, उसका फल हम आज भोग रहे हैं। हम खुद अपना भाग्य लिखते हैं। प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार फल मिलता है। कर्मों का फल भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती। इंसान जो करता है, उसे वही मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छे फल,
बुरे कर्म करता है तो बुरा फल भोगना ही पड़ता है। पका हुआ फल कभी कड़वा नहीं निकलता, वह मीठा ही निकलता है। कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता, अपने ही कर्म होते हैं जिसकी वजह से दुख उठाने पड़ते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं वो पिछले कर्मों की देन है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूक कह गए सबके दाता राम। लोभ मोह और स्वार्थ से ऊपर उठकर बिना सच्चे सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। मैंने से जो कमाया जाता है वही हरि की इच्छा समझनी चाहिए। लोभ मोह माया डह सभी दुख देने वाले होते हैं, इनसे बचना चाहिए। त्याग और परहेज से बढ़कर कोई सुख नहीं। कभी किसी गरीब की मदद करना, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को रोटी खिलाना, अंधे को सड़क पार कराने से जिस सुख की अनुभूति होती है उसका वर्णन तो किया भी नहीं जा सकता। किसी ने सही कहा है कि कर्म वह आईना है जो हमें हमारा स्वरूप दिखाता है। एक छोटी सी कथा इस प्रकार है। एक बार एक व्यक्ति एक मार्ग से गुजर रहा था। उस मार्ग में उसे एक जामुन का पेड़ दिखाई दिया। जामुन का पेड़ देखा आँखों ने, लेकिन आँखें वहाँ तक चल कर नहीं जा सकती थी। चल कर गए पैर, पैर जामुन तोड़ नहीं सकते थे, जामुन तोड़े हाथों ने। हाथ जामुन खा नहीं सकते थे, जामुन खाया मुँह ने, जामुन गया पेट में। लेकिन उस बगीचे के मालिक ने उस व्यक्ति को मारा पीठ पर। गलती तो आँख ने करी थी, तो सजा आँखों को ही मिलनी चाहिए थी। तब वह व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और इसका कारण पूछने लगा कि हे गुरुदेव, जामुन देखा तो आँखों ने था, मार पीठ पर क्यों पड़ी? तब साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि हे पुत्र, सजा तो आँख को ही मिली है। व्यक्ति ने पूछा कि कैसे गुरुदेव? तो गुरु ने कहा कि पुत्र, माना कि डंडा तो पीठ पर पड़ा, लेकिन दर्द से रोई तो आंखें ही थी, अंत में सजा तो आंखों को ही मिली। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का स्वामी है, अपने कर्मों को ही हम विरासत में पाते हैं। जैसे शुभ अशुभ कर्म होते हैं, परिणाम भी वैसे ही शुभ और अशुभ होते हैं। भाग्य मनुष्य के अधीन होता है, वह जैसा चाहे अपना भाग्य बना सकता है। मनसा वाचा कर्मणा, कायिक वाचिक और मानसिक। कायिक कर्म वे होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे किसी को शारीरिक पीड़ा पहुंचाना। वाचिक कर्म में किसी के साथ गाली गलौज करना। और मानसिक कर्म वे होते हैं जैसे दूसरे के साथ बुरी भावना रखना, दूसरे की बुराई करना। ये मानसिक कर्म कहलाते हैं। इसलिए इस जन्म में हमें ऐसे कर्म करने चाहिए ताकि इसका फल हमें अगले जन्म में अच्छा मिले। आइए अब हम इस अध्याय में पांच पांडव और छठी द्रौपदी वाली कहानी सुनते हैं। जब पांडवों को 12 बरस का वनवास हो गया तो द्रौपदी वन में बैठकर सूर्य नारायण भगवान की स्तुति करने लगी और हाथ में तांबे का कोरा कलश लेकर जल भर कर लाल पुष्प हाथ में लेकर कहने लगी कि हे सूर्य नारायण भगवान, तेज प्रकाश करो। तो सूर्य नारायण भगवान द्रौपदी से बोले कि हे द्रौपदी, तुम ये क्या मांग रही हो? निपुति पुत्र मांगे, निर्धन धन मांगे, बुजुर्ग बैकुंठ का वासा मांगे और कुंवारी लड़कियां अच्छा घरवर मांगे, लेकिन तू वन में अपने पतियों के साथ खुले में बैठी है और फिर भी तेज प्रकाश मांग रही है। तो द्रौपदी बोली कि हे सूर्य नारायण भगवान, आप तेज प्रकाश करो। तो सूर्य भगवान ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब पहले में विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र निकला, दूसरे में शंकर भगवान का त्रिशूल निकला, तीसरे में हनुमान जी की गदा निकली, चौथे में राम जी का धनुष निकला, पांचवे में पशुपति नाथ की बर्छी निकली। तब सूर्य भगवान ने द्रौपदी से कहा कि हे कल्याणी, तू इन शस्त्रों की पूजा कर, इससे सुमति आ जाएगी, कुमति मिट जाएगी। द्रौपदी ने ऐसा ही किया। सूर्य भगवान ने द्रौपदी की पूजा से खुश होकर उसे एक तरी दी और कहा कि हे द्रौपदी, इस तरी में एक तुलसी का पत्ता डालकर मनचाहा भोजन मांग लेना। तेरे पास इतना भोजन आ जाएगा कि तू रोज 88,000 ऋषि मुनियों को भोजन करा पाएगी। तेरे हाथ से सभी अतिथि भोजन खाएंगे। फिर तू अपने पांचों पतियों को भोजन कराना और अंत में तू भोजन करना और तरी को मांझ कर रख देना। हे द्रौपदी, तू यह नित्य का नियम ले ले कि तू सबको भोजन कराने के बाद भोजन खाएगी। तो द्रौपदी ने सूर्य भगवान को वचन दे दिया। अब द्रौपदी रोज सुबह जल्दी उड़ती, नाती धोती, तरी को मांझ कर चूल्हे पर चढ़ा देती, फिर 88,000 ऋषि मुनियों और आने वाले अतिथियों को स्वादिष्ट भोजन करा के अपने पांचों पतियों को भोजन कराती और अंत में सम भोजन खाती और तरी को मांझ कर रख देती।
द्रौपदी के इस अन्नदान की चर्चा आकाश पाताल और स्वर्ग तक होने लगी। जब इस बात का पता दुर्योधन को चला तो उसे बहुत जलन हुई। तब एक बार दुर्वासा मुनि दुर्योधन के आतिथ्य को स्वीकार करने के लिए उसके महल में पहुंचे तो दुर्योधन ने उनकी खूब सेवा टहल करी, तरह तरह के व्यंजन खिलाए। जब भोजन करके दुर्वासा मुनि उठे तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि हे वस, आज तुमने बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाया, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तू कोई वरदान मांग ले। तो दुर्योधन बोला कि हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे पास सब ठाट बाट हैं। हे मुनिवर, आप तो मेरे लिए ये पता लगाइए कि द्रौपदी वन में रहकर भी 88,000 ऋषि मुनियों को भोजन कहाँ से करा रही है। हे मुनिवर, आज आप भी उनके पास जाकर भोजन करिए। तब दुर्वासा मुनि मन ही मन सोचने लगे कि अरे दुष्ट, तेरा अन्न खाया है तो यह काम तो करना ही पड़ेगा, किसी ने सही कहा है, जैसा अन्न वैसा मन। तब दुर्वासा मुनि 1,000 शिष्यों को लेकर पांडवों के पास पहुँचे और बोले कि अरे पांडव, हम सब बहुत भूखे हैं, हमें भोजन खिलाओ। पांचों पांडव थर थर कांपने लगे। वे द्रौपदी के पास आए और बोले कि द्रौपदी, क्या तुमने भोजन कर लिया? तो द्रौपदी ने हामी भर दी। पांडव द्रौपदी से बोले कि हे द्रौपदी, हमारे द्वार पर दुर्वासा मुनि अपने 1,000 शिष्यों के साथ भोजन करने के लिए आए हैं। अब हम उन्हें क्या खिलाएंगे? अगर हमने उन्हें खाना नहीं खिलाया तो वे हमें शाप दे देंगे। तो द्रौपदी ने कहा कि आप दुर्वासा मुनि से कहिए कि वे तालाब पर स्नान करके आए, तब तक भोजन बन जाएगा। पांडवों ने ऐसा ही किया। इधर द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को याद किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे राम 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 हरे हरे। हे द्वारका के नाथ, हे मधुसूदन, आपके हाथ ही हमारी इज्जत है, अब आप ही हमारी रक्षा करें। अब उधर द्वारिका में रुक्मणी श्री कृष्ण भगवान को भोजन परोस रही थी। बीच में ही कृष्ण भगवान भोजन की थाल से उठकर खड़े हो गए तो रुक्मणी ने कहा कि हे नाथ, मुझसे क्या भूल हो गई जो आप भोजन किए बिना ही उठ गए हैं। कृष्ण ने रुक्मणी से कहा कि हे प्रिय, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, मुझे मेरा भक्त याद कर रहा है, मुझे उसके पास जाना ही होगा। तभी कृष्ण भगवान द्रौपदी के पास प्रकट होकर बोले कि हे द्रौपदी, कैसे याद किया? मैं भोजन करने बैठा ही था कि तुमने मुझे बुला लिया, अब तुम मेरे लिए भोजन लेकर आओ। तो द्रौपदी बोली कि हे भगवान, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, दुर्वासा मुनि मेरे द्वार पर अपने शिष्यों को लेकर भोजन करने आए हैं, अब आप बताइए मैं क्या करूं? तो कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से कहा कि हे द्रौपदी, तुम तरी लेकर आओ। तो द्रौपदी बोली कि भगवान, तरी तो मैंने मांझ कर रख दी है। तब भगवान ने कहा कि द्रौपदी, जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा ही करो। तब द्रौपदी तरी लेकर आई। तरी में तुलसी की एक पत्ती चिपकी हुई रखी थी। कृष्ण भगवान ने तुलसी खाकर डकार ले ली। त्रिलोकी के नाथ के डकार लेते ही उधर दुर्वासा मुनि और उनके सभी शिष्यों का पेट भर गया, उन्हें भी डकार आने लगी। फिर कृष्ण भगवान बोले कि युधिष्ठिर, तुम दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को भोजन पर बुलाकर लाओ। युधिष्ठिर दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को भोजन पर बुलाने गए। तब युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि हे ऋषिवर, आप भोजन करने के लिए चलिए, भोजन तैयार है। तो दुर्वासा मुनि बोले कि हे वस, हमारा सबका पेट भर चुका है। और पांडवों और द्रौपदी को आशीर्वाद देकर सभी चले गए। जहाँ त्रिलोकी का पेट भरा, वहाँ सभी का पेट भर जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है और ये सच भी है। इस तरह आज हमने चातुर्मास का 20वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।